हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे साथ के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, ठीक है, तो उसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चा लेना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जो भी आपके एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, हिंदी के कंप्लीट नोट्स हैं, जो भी बच्चा लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर मैसेज कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा में किस रियासत का विलय हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जो राजा अजीत सिंह है इनके विद्रोह के कारण हरियाणा में, ठीक है, किस रियासत का विलय हुआ था। तो ये पहली बात तो किस रियासत का विलय हुआ था ये पूछा गया है, या फिर आपसे जितने भी विद्रोह हैं 1857 की क्रांति के, अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है और हर एक वीडियो में आपको बताया है, किस वीडियो में, कि हर एक विद्रोह को आप कैसे ट्रिक से याद रखते हैं। यदि आपने हमारी हरियाणा जीके की वीडियोज नहीं देखी है तो आपको अलग से मिल जाएगी प्लेलिस्ट हरियाणा जीके। ठीक है, हर एक थ्योरी को वहां पर आपको ट्रिक से समझाया गया है, मैं गारंटी देता हूं कि हर एक टॉपिक को आपको वीडियो में ही याद करवाया जाएगा। यदि आपने एक बार वीडियो देख ली तो वो कंप्लीट टॉपिक आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा और उसी वीडियो से रिलेटेड आपको MCQ भी अलग से मिल जाएंगे, हरियाणा जीके प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है, कम से कम आपकी 27 वीडियो आ चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और मैराथन वीडियो जो आपने नहीं देखी तो हरियाणा जीके की, वो भी आप जरूर देखिएगा, अलग से आपको प्लेलिस्ट मिली हुई बन जाएगी। तो बात करते हैं, जो राजा अजीत सिंह है इन्होंने जो विद्रोह किया था वो कहाँ से किया था, लाडवा से। ठीक है, तो कौन सी रियासत का विलय हुआ था हरियाणा में, लाडवा का। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर आपसे पूछा जाएगा जो लाडवा का विद्रोह है इसमें कौन शामिल थे, राजा अजीत सिंह, और ये कब हुआ था, 1845 में। तो इसकी ट्रिक कैसे याद करवाई थी मैंने। ठीक है, तो यदि आपको कोई चीज जीतनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लड़ना होगा। तो लाड को आप पढ़ेंगे लड़, ठीक है, तो लड़के आप जीतेंगे कोई चीज तो आप क्या करेंगे, 4-5 लाडू बांटेंगे। ठीक है, 4-5 लाडू, लाडू से लाडवा। ठीक है, यदि आपकी जीत हो जाए तो 4-5 लाडू आप उसकी खुशी में बांटेंगे, इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कृषि जलवायु, कृषि जलवायु केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पूछा गया है कहां पर है, तो यह है करनाल में। तो एग्जाम में पूछा गया है पूर्वी क्षेत्र का, यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में पश्चिमी क्षेत्र का कहाँ पे है, तो आप आंसर लगाएंगे हिसार। ठीक है, कृषि जलवायु केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करनाल में पूर्वी क्षेत्र का, पश्चिमी आपसे पूछे तो हिसार। तो यहाँ पर बात हुई है करनाल की, तो सबसे ज़्यादा जितने भी आपके संस्थान हैं कहाँ पर हैं, करनाल में है। जैसे गेहूं है आपका, गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वो भी कहां पर है आपका, करनाल में है। मिट्टी लवणता केंद्र, वो भी कहां पर है आपका, करनाल में है। ठीक है, अनुवांशिकी ब्यूरो आपका जो है जीव का, वो भी कहां पर है आपका, करनाल में है। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है आपके कहां पर है, करनाल में, आपको याद रखने हैं, आगे क्वेश्चन आएगा जब वहां पर हम स्टडी करेंगे। आगे है, किस नदी का उद्गम स्थान जो है चंपासर ग्लेशियर से माना गया है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल माना गया है, चंपासर ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या माना गया है, चंपासर ग्लेशियर, या तो पूछेगा आपसे या फिर आपको बोलेगा यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, या फिर बोलेगा बंदरपूच। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। तो बात हुई यहाँ पर यमुना नदी की, तो जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, 6330 मीटर हाइट से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद से या फिर चंपासर ग्लेशियर से। तो ये जो यमुना नदी है ये हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है, कितने किलोमीटर लंबी,
320 किलोमीटर लंबी। यदि बात करें यमुना नदी हरियाणा में कहां से एंटर करती है, तो आपको याद रखना है कालेसर। ठीक है, ये सभी की सभी आपको चीज़ें याद रखनी है यमुना नदी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नैली का क्या अर्थ है? हरियाणा में जो नैली है इसका अर्थ बताना है आपको क्या है। तो जो नैली है ये क्या होता है? बाढ़ के मैदान। ठीक है, क्या होता है? बाढ़ के मैदान। तो जो ये नैली है कौन सी नदी के द्वारा निर्मित होते हैं जो बाढ़ के मैदान है? तो ये निर्मित होता है घग्गर नदी के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नैली है इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है? बाढ़ के मैदान है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है बाढ़ के मैदान से रिलेटेड। जो नैली है वो बाढ़ का मैदान है, ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागसाई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, 1927 मीटर हाइट से। यदि इसकी बात करें हम लंबाई की, तो पहले तीन अक्षर आपको लेने हैं और इनको उल्टा पढ़ना है, 291 यानी कि 291 किलोमीटर। ठीक है, डागसाई से निकलती है और हरियाणा में कहाँ पर एंटर करती है? ये कालका से एंटर करती है। और इसके साथ साथ आपसे एक और बाढ़ का मैदान पूछा जाता है, बैट। तो जो ये बैट जो बाढ़ का मैदान है ये कौन सी नदी के द्वारा निर्मित होता है? मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी का अन्य नाम क्या है? अरुणा। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चे हैं वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और वीडियो लाने का। अगला प्रश्न है, हरियाणा में रोज का जो मेव औद्योगिक स्टेट है वो कहाँ पर है? अब देखिए, रोज का मेव आपसे पूछा गया है औद्योगिक स्टेट। अब देखिए, एग्जाम में जो आपका एक क्वेश्चन आया था, जब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, गुरुग्राम, फरीदाबाद आपका, पानीपत, और आपका ऑप्शन दिया गया था सिरसा, इस तरह से ऑप्शन थे। यदि आप देखेंगे रोज का जो मेव है, तो ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा मेव जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेवात यानी कि नू में। यदि आपको ऑप्शन मिले मेवात, तो आप जाएंगे मेवात के साथ। यदि ऑप्शन आपको मेवात ना मिले, तो आप इसमें आंसर लगाएंगे गुरुग्राम। ठीक है, क्योंकि जो मेवात है गुरुग्राम में से ही निकाला गया है। जब पहले का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, तो आपको ऑप्शन दिया गया है गुरुग्राम। तो जो रोज का मेव औद्योगिक स्टेट है, यदि मेवात मिले तो मेवात लगाएंगे, नहीं तो आप क्या लगाएंगे? गुरुग्राम लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो संस्थान। ठीक है, अभी हमने बात की थी जब हमने करनाल पढ़ा था, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, देखिए दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये कहां पर है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो यदि आपसे पूछे, तो ये कहां पर है? करनाल में। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर है, तो ये भी कहां पर है? करनाल में। ठीक है, एक में आपका ब्यूरो लगा हुआ है, एक में ब्यूरो नहीं है। यदि इसकी स्थापना पूछे आपसे, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984। और आपसे पूछे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो आप लगाएंगे 1985। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, इसके अलावा हमने कृषि जलवायु का जो पढ़ा था अनुसंधान केंद्र, वो भी पढ़ा था, करनाल में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है, एक पवित्र धागा है। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं आपके जो 2021 में पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। एक पवित्र धागा जो कोड़ी का मतलब क्या होता है? एक छोटी मछली का आवरण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोड़ी, और एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। ठीक है,
एक पवित्र धागा आपको बताना है जो एक कौड़ी, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मन्ना। क्या पवित्र धागा होता है उसका नाम बताना है तो उसका नाम क्या होगा? मंडा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मातृ मद की पीआईओ किसकी शैली है? मातृ मद की पीआईओ, मातृ मद की, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया है? मातृ मद की पीआईओ ये क्या है, किसकी शैली है? तो ये है राजपूत चित्रकारी, राजपूत चित्रकारी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नए पूछे गए हैं, तो आप देख लेना, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, रब करते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं सभी के सभी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जिसके मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में पूछने के, वो क्वेश्चन भी फिर हम कवर करेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जो है कैक्टस गार्डन, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, कैक्टस गार्डन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये कहां पर है? तो ये है पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में है। और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछे तो 1987 में जेएस सरकारिया ने इसकी स्थापना की थी, कैक्टस गार्डन की पंचकुला में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है वो विश्व विरासत स्थलों में से एक है, ठीक है? ये सभी को पता है, कालका शिमला नैरो गेज की है ये आपकी, कालका शिमला जितने भी विश्व विरासत है आपके स्थल हैं उनमें से एक है ये आपकी, ठीक है? तो इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि आपसे पूछे ये चालू कब हुई थी, तो 1903 में ये चालू हुई थी, ठीक है? कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है इसकी स्थापना आपसे पूछे तो 1898, और चालू पूछे तो कब हुई थी, ये 1903 में, और ये क्या है? नैरो गेज की है। अगला प्रश्न है, गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति, उस कलाकृति का आपको नाम बताना है जो गोबर और किससे मिलकर बनती है? मिट्टी से। अभी हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड आपका उत्सव भी मनाया गया था, और ये कहाँ पर मनाया गया था? आपका कुरुक्षेत्र में, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? सांझी। तो आप सभी ने देखी होगी जो गांव में रहते हैं, गोबर और मिट्टी को मिलाकर दीवार पर इस तरह की जो मूर्ति है गोबर की वो बनाई जाती है, ठीक है? इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांझी बोलते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, सोलर पार्क हरियाणा में कितने जिलों में है? सोलर जो पार्क है वो बताने हैं, सोलर पार्क पूछा गया है कितने जिलों में है, कितने जिलों में है? तो सोलर पार्क है हरियाणा के 18 जिलों में, ठीक है? 18 जिलों में कितने हैं भाई? 20 सोलर पार्क है, और जो 21वां है वो प्रस्तावित है नौलाथा में, ठीक है? ये सभी याद रखने हैं आपको, सोलर पार्क जो है कितने जिलों में है? 18 जिलों में 20 सोलर पार्क है, और 21वां प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है, यदि पूछे तो कौन सा है ये? नौलाथा, ठीक है? अगला प्रश्न है, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय, 1833 में ब्रिटिश ने क्या किया था? एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का, एक उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया था जिसका संबंध किससे था? हरियाणा से था, ठीक है? जिसका संबंध किससे था? हरियाणा से था, और उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थी ये, तो उसका मुख्यालय पूछा गया है कहां पर था, ठीक है? मुख्यालय, उसका मुख्यालय कहां पर था? तो उसका मुख्यालय था भाई आगरा में, ठीक है? याद रखना है, तो जो यदि आपसे पूछे, आपको तारीख भी याद रखनी है, तो ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा से संबंधित एक प्रांत का गठन किया था, तो वो कब किया था? 1833 में, और उसका मुख्यालय कहां पर था? आगरा में।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? चिश्ती सिलसिला, यदि पूछिए चिश्ती सिलसिला हरियाणा में किसने शुरू किया था, तो हरियाणा की बात की है तो हरियाणा में शुरू किया था फरीद ने, शेख फरीद ने, ठीक है, किसने किया था? शेख फरीद ने। यदि बात करें भारत की तो भारत में किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, भारत की पूछे तो मोइनुद्दीन चिश्ती, यदि हरियाणा की पूछे तो फरीद, बाबा फरीद। अगला है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड, यहां पर लिख लेते हैं हरियाणा राज्य का औषधीय पादप बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2002 में। हरियाणा राज्य का औषधीय पादप बोर्ड पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब डाउन करते हैं बोर्ड को। तो ये सभी के सभी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप रिवाइज कर लें एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, ठीक है, तो पहला धुआं मुक्त जो राज्य है घोषित किया गया था किसको भाई? चंडीगढ़ को। क्या किया गया था? धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था, धुआं मुक्त शहर सबसे पहले किसको घोषित किया गया था? यह किया गया था चंडीगढ़ को। अब कब किया गया था, आपसे सन पूछा गया है, तो सन था ये 2007 में। यदि तारीख पूछे तो तारीख आपको याद रखनी है 15/7/7, ठीक है, 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ शहर को क्या कर दिया गया था? धुआं मुक्त शहर, सख्त नहीं शहर। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखनी है आपको, क्या? अगले ही साल, ठीक, अगले ही साल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को, अगले ही साल यानी कि 2008 को पॉलीथीन पूरी तरह से यहां पर क्या कर दी गई थी? पॉलीथीन जो बैग है उनको पूरी तरह से यहां पर बैन कर दिया गया था। तो दोनों चीजें याद रखनी है, पहला शहर जो धुआं मुक्त था चंडीगढ़, कब किया गया था? 2007 में, और अगले साल यानी कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2008 को पॉलीथीन जो बैग है यहां पर पूरी तरह से जो बैन कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश कराना, ओम प्रकाश कराना का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो कौन से गेम से है? शॉटपुट, शॉटपुट खेल से है इनका संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की जो पहली हवाई पट्टी 1948 में बनी थी, ठीक है, ये बतानी है कहां पर बनी थी? हरियाणा में पहली हवाई पट्टी, तो हरियाणा में जो पहली हवाई पट्टी बनी थी कब बनी थी? ये 1948 में। कब बनी थी? जब अंबाला स्टेशन, वायु स्टेशन बना था उस समय, ठीक है। तो जो आपके सैनिक वायु स्टेशन है हरियाणा में, तो एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं, जो आपके हवाई है पट्टी वो कितनी है हरियाणा में? तो आपको याद रखनी है अक्स BPMJ, ठीक है, 4 और 4 8 कितनी है? 8 है, इसमें से 6 असैनिक हैं और 2 सैनिक हैं, और जो सैनिक की है 2 वो कौन सी है? अंबाला और सिरसा, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे अंबाला और एस से सिरसा, ये कौन सी है आपकी सैनिक हवाई पट्टी।
तो जो अंबाला में है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और जो सिरसा में है उसकी स्थापना हुई थी भाई 2009 में। तो कैसे याद रखेंगे, अंबाला, फिर आपका है अक्स, ठीक है, अंबाला, करनाल, सिरसा, हिसार, भिवानी, पंचकुला, महेंद्रगढ़, जींद, इस तरह से याद रखेंगे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, तो वायुसेना स्टेशन कितने हैं, तो दो हैं, कौन कौन से, अंबाला और सिरसा। अंबाला की स्थापना हुई थी 1948 में और सिरसा की कब हुई थी 2009 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो आपका जहाजी साहब के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है, जहाजी साहब, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आपको, प्रश्न में ही इसका उत्तर है जहाजी साहब। तो ये जाना जाता है जॉर्ज थॉमस को, जॉर्ज थॉमस को जाना जाता है जहाजी साहब के नाम से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आर्य समाज की जो पहली शाखा है उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो हरियाणा में जो पहली शाखा है आर्य समाज की उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है जो पहली स्थापना है डैश में स्थापित की गई थी, तो ये कहां पर की गई थी, आर्य समाज की जो पहली शाखा है, आर्य समाज की जो पहली शाखा है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, रेवाड़ी में, कब की गई थी, 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो तारीख भी आपको याद रखनी है, सन भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि आर्य समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई थी, 1880 में रेवाड़ी में, और किसने की थी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित है, ठीक है, जो बंजर भूमि है हरियाणा में, आपसे पूछा गया जो बंजर भूमि है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो ये कितना है भाई, 3/6, यानी कि 3.6% है। तो आप याद रखेंगे जो बंजर भूमि है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, 3.6% है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते ही रहिएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदान हम कर चुके हैं, जो नैली है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, घग्गर नदी के द्वारा, डाकसाई से आप एंटर करते हैं 1927 मीटर हाइट से, और 291 उसकी क्या है लंबाई है, ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। बैट किसके द्वारा निर्मित होता है, मारकंडा नदी के द्वारा, और मारकंडा का अन्य नाम क्या है, अरोना, तो ये हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रथम राज्यपाल, तो यहाँ पर राज्यपाल की हमने बात की है, तो राज्यपाल की कंप्लीट ट्रिक मैंने डाली हुई है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन कौन है, यदि आपने नहीं देखी तो देखिएगा, एक ही वीडियो में मैंने सारे के सारे 18 के 18 राज्यपाल आपको याद करवाए हुए हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, कौन नहीं रह चुके हैं, यदि आपको वो ट्रिक याद है तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो प्रथम सीएम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रथम सीएम कौन थे, बीडी शर्मा, यदि आपसे सीएम पूछा है तो प्रथम लोकायुक्त भी पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रथम लोकायुक्त भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रीतम पाल सिंह, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, राज्यपाल, सीएम और लोकायुक्त, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाता है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, तो ये है बाबू आनंद, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बाबू आनंद स्वरूप, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, प्रथम सीएम बीडी शर्मा, प्रथम लोकायुक्त प्रीतम, और प्रथम महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल आपको याद रखने हैं प्रीतम पाल सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर एक वीडियो जो मैं आपको करवा चुका हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, आपको पढ़ाए जा चुके हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन। एक भी टॉपिक आप देख लेना, एक भी आपको मिस नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति शासन की भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है कब लगा था, तो आपको याद रखना है 1967। दूसरा कब लगा था 1977। तीसरा कब लगा था 1991। तो मैक्सिमम कितनी बार लगा है अब तक, 3 बार लगा है। पहला 67, दूसरा 77, तीसरा 91। तो सभी के सभी मैंने आपको बताए हुए, इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, इनके दौरान पहले सीएम कौन थे, बाद में सीएम कौन है, तो वीडियो आप देखेंगे अलग से, आपको करवाई हुई है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, तो वहां पर आप देख सकते हैं सभी के सभी। अगला है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिनियम बताना है लागू कब हुआ, तो ये भाई हुआ था 22 अप्रैल 1994। ठीक है, 22/4/1994। अगला है हरियाणा की जनसंख्या, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाए, जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है ये आपको जरूर याद रखना है। तो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, तो ये कितना प्रतिशत है, 1.34। और आपसे जनसंख्या पूछी जाए 2,53,51,462। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे गया है क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है कुल उसका, तो और आपको जनसंख्या याद रखनी है 2,53,51,462। अगला प्रश्न हम देखते हैं घग्गर नदी का उद्गम स्थल, तो अभी मैंने करवाया तो घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, नैली बोलते हैं, और मेनली ये कहाँ पर होते हैं आपके सिरसा में, और आपसे पूछा गया कि उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका, अभी मैंने बताया डाकसाई। ठीक है, अगला है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो हरियाणा में जो आपकी नदी है, क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो नदियां आपको सभी की सभी मैंने करवाई हुई है ट्रिक से, उत्तर हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो दक्षिण हरियाणा की नदियां कौन कौन सी हैं आप देखेंगे, तो मैंने आपको करवाया है DKSI से, ये हमारी कौन सी है, दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। तो डी से हमारा बनेगा दोहन, के से बनेगा कृष्णावती, एस से बनेगा साहिबी, और आई से बनेगा इंदौरी। ठीक है, तो ये दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की 4 नदियां हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। अगला प्रश्न है 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था, तो 1947 में पूछा गया है कौन सी झील का निर्माण हुआ था, तो कौन सी झील का निर्माण हुआ था भाई, बड़खल झील का, और ये बड़खल झील है कहाँ पे, तो ये है फरीदाबाद में। ठीक है, एक बार इंक डाल लेते हैं, नोट डाउन कीजिए तब तक आप। अगला प्रश्न है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हरियाणा में भी कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, तो हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक आपका कालेसर है यमुनानगर में, एक है सुल्तानपुर गुरुग्राम में, जो कालेसर वाला है। ठीक है, एक है कालेसर यमुनानगर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में, एक है सुल्तानपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, और नेशनल पार्क कब बना था, ये 1989 में। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य, अब बात हुई नेशनल पार्क की, तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपके पूछे गए हैं, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो भाई कितने हैं, 8 वन्यजीव अभयारण्य है। तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है आप कमेंट में बताएंगे मुझे, सुंदर झील के नाम से फेमस है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 8 वन्यजीव है, 2 नेशनल पार्क है, कालेसर सुल्तानपुर, कालेसर की 2003 में, और सुल्तानपुर कब बना, 1971 में, और ये नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, 1989 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है,
चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो ये कहां पर है भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र है कैरू में, और कैरू कहां पर है, कैरू है भिवानी में। यदि आपसे पूछे मोर एवं चिंकारा, खाली चिंकारा पूछे तो कैरू, और यदि आपसे पूछे मोर और चिंकारा दोनों में अंतर है, दोनों आप देख लेना, इसलिए मैंने यहां पर बताया है। यदि आपसे चिंकारा पूछे तो कैरू, और मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो आप लगाएंगे झाबुआ, और झाबुआ कहां पर है, रेवाड़ी में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में किसका होता है, तो गन्ने का। और गन्ना पूछे तो कहां पर, तो गन्ने को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, तो याद रखेंगे पानी की, और पानी कहां पर है, यमुना में है, तो यमुना से याद रखेंगे यमुनानगर। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का और कहां पर होता है, यमुनानगर में। अगला है धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, संयुक्त रूप से धान का कटोरा, तो आप याद रखेंगे जेके सीमेंट। ठीक है, दो बार और के लगा दो इसके आगे, तो यानी कि जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र और केथल, इन चार जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी बंटवारे के लिए अधिसूचना कब जारी हुई, तो मैंने जो नहर करवाई है वहां पर भी आपको याद करवाया था SYL लिंक, यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर, तो इसके पानी के बंटवारे को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई थी, इसलिए पूछा गया है आपसे कब हुई थी, तो ये हुई थी भाई 24 मार्च 1976 में। ठीक है, अधिसूचना कब जारी हुई थी, 1976 में। तो हरियाणा ने तो अपने हिस्से का जो काम है वो पूरा कर लिया है, पंजाब का बाकी है। यदि ये जो लिंक है यदि पूरा हो जाता है इसका काम, तो हरियाणा को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, यानी कि कृषि में क्या ला देगा, ये क्रांति लेकर आएगा। तो इसकी कुल लंबाई पूछी जाती है, कई बार आपको 214 मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 91 या 92 किलोमीटर हरियाणा में है। ठीक है, 214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये कहां पर है भाई। राजीव गांधी जितने भी परियोजनाएं हैं आपको मैंने करवाई हुई है ट्रिक से, तो जरूर देखिएगा, हर एक टॉपिक मैंने आपका हरियाणा जीके का लगभग 34 से 35 टॉपिक हैं आपके जो मैंने हरियाणा जीके के करवाए हुए हैं विद ट्रिक। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ भी करवाए हुए हैं, ताकि थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पूछा गया है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये कहां पर है भाई राजीव गांधी, तो 2000 इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में, और ये कितने क्षमता का है, 1200 मेगावाट, और ये कहां पर है, हिसार में। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था, रिलायंस लिमिटेड के द्वारा, आर से राजीव, आर से रिलायंस, 2010 में स्थापना हुई थी, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये कहां पर है, हिसार में, और हिसार में भी पूछे तो कहां पर है, खेदड़ में। अगला है नाभिकीय विद्युत केंद्र, एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र है, नाभिकीय विद्युत केंद्र भाई ये कहां पर है, तो ये है गोरखपुर में, कहां पर है, गोरखपुर। इसकी स्थापना पूछिए आपसे तो आप बताएंगे 2014 में। अगला प्रश्न है सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी, सीमेंट फैक्ट्री, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीमेंट फैक्ट्री से आप रखेंगे भिवानी की सीट। ठीक है, भिवानी की सीट 3937, तो दोनों के दोनों है भिवानी में, तो कौन कौन सा है, सी से बनेगा सीमेंट फैक्ट्री, टै से बनेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो पहले दो उठाइए सीट के लिए, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1939 में, और टेक्सटाइल जो है उसकी स्थापना हुई थी 1937 में। तो आपसे पूछा गया है सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है, भिवानी में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1939 में, किसने करवाया था निर्माण, डालमिया ने।
ठीक है, रामकिशन डालमिया ने। तो भाई ये थे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह से करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।